सो आज का हमारा टॉपिक है श्रीलंका रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम इंडिया अगेन। सो इंडिया से फिर से श्रीलंका ने कुछ हेल्प गेन करी है, वो भी जो अभी इतने ज्यादा डिफरेंसेस चल रहे हैं। अभी आपने कुछ दिनों पुरानी न्यूज सुनी होगी कि इंडिया के प्रोटेस्ट के बावजूद श्रीलंका ने चाइना के एक स्पाई शिप को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक करने के लिए अलाउ कर दिया था। सो इंडिया ने प्रोटेस्ट जताया, उसको भी इग्नोर कर दिया था श्रीलंका ने। इसके बावजूद भी इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प करी है, श्रीलंका को एक डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट गिफ्ट करा। कौन सा? डॉर्नियर 228। तो श्रीलंका ने इसके लिए काफी ज्यादा आभार व्यक्त करा इंडिया को। देखा जाए तो 2018 में ही श्रीलंका ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें दो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो देखा जाए तो जो श्रीलंका के जो कोस्टल एरिया है वहां पर काफी ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, इसके अलावा स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो उससे निपटने के लिए इस डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की डिमांड करी थी श्रीलंका ने। सो देखा जाए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है, इंडिया गिफ्ट्स अ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका जस्ट अ डे बिफोर चाइनीज स्पाई शिप डॉक्स एट हम्बनटोटा। मींस मंडे को, यानी कि कल 15 अगस्त के दिन ही इंडिया ने ये एयरक्राफ्ट श्रीलंका को गिफ्ट करा है, और आज 16 अगस्त को चाइना का जो स्पाई शिप वो हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक करेगा। तो देखा जाए जो आज सेरेमनी हुई है जिसमें इस एयरक्राफ्ट को इंडिया ने हैंड ओवर कराया श्रीलंका को, उस सेरेमनी का है तो जो वाइस चीफ है इंडिया के नेवी के एडमिरल एस एन गोरमडे वो प्रेजेंट थे। इसके अलावा जो हाई कमिश्नर है इंडिया के टू कोलंबो गोपाल बागले वो भी प्रेजेंट थे। इसके अलावा काफी इंपोर्टेंट श्रीलंका के प्रेसिडेंट खुद प्रेजेंट, रनिल विक्रमसिंघे खुद प्रेजेंट थे। तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि हाँ, हो सकता है कि इंडिया के व्यूज और हमारे व्यूज में कुछ डिफरेंसेस हो, बट ये दोनों देशों ने काफी अच्छे से एक चीज निभाई है कि उन डिफरेंसेस को कभी भी डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट नहीं होने दिया। इसके अलावा उन्होंने आभार व्यक्त कराया कि इंडिया ने हमेशा अपने नेबर्स का ख्याल रखा है, उनकी हमेशा मदद करी है, उनकी सिक्योरिटी को हमेशा मद्देनजर रखा है। इसके अलावा ये सागर के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब ये सागर क्या? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सो ये एक इनिशिएटिव है जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका ने इस एयरक्राफ्ट के थ्रू इसको और एनहांस करा। सो इंडिया ने अपनी तरफ से कंप्लीट मदद करी 2018 में जब ये प्रपोजल आया था, तो एक एयरक्राफ्ट इंडिया ने अभी श्रीलंका को कल ही दिया है, अगला एयरक्राफ्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर इंडिया श्रीलंका को गिफ्ट कर दे। तो मुझे लगता है आपको इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।